भाई सुनो चिकी विकी वालों, ये क्या लगा रखा है सालों, तुम्हारा ऑर्डर टाइम से आता नहीं और रेटिंग चाहिए तुम्हें 5 स्टार। भाई साहब ऐसा है, अपनी कैब का नाम ना भोला ठके गोला रख लो, तब से गोल गोल घुमाए जा रहे हो, 5 मिनट में आ रहा हूँ, चक्कर पे खड़ा हूँ, सर्किल पे खड़ा हूँ, हो कहाँ तुम लोग? रखे हो गया बेटी के दिमाग खराब है के? लव हॉस्टल देख के आए? हेलो भाई लोग, कैसे हो? हाँ थोड़ी देर पहले मूड खराब था मेरा, लेकिन मुझे तो मूड सही रखना पड़ेगा ना सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे तो मूवी के रिव्यूज देने ही हैं, क्योंकि हम जैसे चंद रिव्यूअर्स रिव्यू देते हैं तब जाके आप लोग मूवी देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, क्योंकि आप लोगों को हम पे भरोसा है। ऐसा भरोसा मुझे बॉलीवुड पे भी है, लेकिन ये बॉलीवुड वालों ने बेवकूफ बना रखा है। नहीं नहीं, हम पे से मत उठाना भरोसा अपना भैया, क्योंकि आपके भरोसे पे हमारा चैनल चलता है, आप तो माई बाप हो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं झट से आता हूँ आपको रिव्यू देने के लिए वापस, आप फट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और ये बेल नोटिफिकेशन दबा देना प्लीज। भैया फ्रीकी फ्राइडे 25 फरवरी को अपनी ये विक्रांत मैसी स्टारर लव हॉस्टल रिलीज हुई है। आय हाय हाय, विक्रांत मैसी को देख के मुझे लगा मूवी का लेवल यहाँ होगा, मतलब बंदा जो एक्टिंग करता है, बालिका वधु अपनी क्या था वो, आनंदी से लेके दिल धड़कने दो, शंकर रमन सर जो कि इस मूवी के डायरेक्टर है, सर जी बेवकूफ बना दिया आपने, मतलब विक्रांत मैसी को देख के मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन यहां रखी और दंगल गर्ल को देखा तो फिर यहां, और मूवी देखी तो भगवान का डर तो रह ही नहीं गया, थोड़ा ऑडियंस से डरो यार, स्क्रिप्ट लिखते हो तो पता नहीं होता कि क्या लिख रहे हो। नहीं ऐसा नहीं है, शंकर रमन सर की गुड़गावा भी देखी है मैंने 2017 में रिलीज हुई, वो मूवी एक नंबर वाहियात थी, पब्लिक को मतलब कतई बेवकूफी बना रखा आप लोगों ने, और मूवी को रोमांटिक थ्रिलर और बोल रहे हो, ना तो रोमांस था ना थ्रिल था। पता है पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, गाड़ी में पेट्रोल भरवा के फिर थिएटर पे जाना पड़ता है मूवी देखने के लिए। बेटी के यो तो ओटीटी पे आई है। ओटीटी पे थी? हाँ तो क्या हो गया, रिचार्ज भी महंगा हो गया, मतलब 1.5 GB में पूरी मूवी निपट जाती है, फिर ये क्यों देखूंगा मैं, हॉस्टल देख लूंगा इंग्लिश वाली। खैर छोड़ो, आइए आपका भी दिमाग खराब करता हूँ स्टोरी बता के और फिर स्टार कास्ट भी बताऊँ। फिल्म में विक्रांत मैसी, अहमद और दंगल गर्ल सानिया मल्होत्रा नजर आई है ज्योति के रोल में। अहमद और ज्योति, नाम सुन के कुछ समझ आया? डिफरेंट रिलीजन लव स्टोरी यार। लड़की अपने शादी वाले दिन भाग जाती है और जाके अहमद यानी विक्रांत मैसी उनसे शादी कर लेती है, और जैसे ही पता चलता है कि लड़का मुसलमान है तो लड़की के घर वाले विजय सिंह डागर उर्फ बॉबी देवल को उनकी खोज करके उन्हें मारने का ऑर्डर दे देते हैं। हालांकि विजय सिंह डागर पुलिस फाइल में मर चुका है, लेकिन वो हाथ पैर मुंह सब कुछ धोके उनके पीछे पड़ जाता है। अब वो उन्हें खोज पाता है या नहीं, इतना थ्रिल तो मैं भी छोड़ूंगा ना, वरना आप लोगों को देखने में मजा कैसे आएगा। ये तो थी स्टोरी, स्टार कास्ट भी मैंने आपको बता दी, एक्टिंग की बात करें तो विक्रांत मैसी जबरदस्त, सान्या मल्होत्रा ने भी अच्छी एक्टिंग करी है, लेकिन एक बंदा है जिसने एक्टिंग के साथ साथ कुछ और भी किया है, विजय सिंह डागर उर्फ बॉबी देवल। नहीं मुझे एक बात बताओ, ये जो बंदूक लेके घूम रहे हो आपकी खुद की है, लाइसेंस वाइसेंस है उसका? एक बार में इतनी सारी गोलियां कैसे आ जाती है उसमें? मैं डागर साहब बेटी के आप ही से पूछ रहा हूँ, मतलब घर का राज चल रहा है क्या, शादी में घुसे 2-3 लोग वहां उड़ा दिए, सड़क पे चल रहे हो 2-3 लोग वहां उड़ा दिए, किसी के घर में घुसे, वो तो लौंडा शरीफ था, हेडफोन लगा के उसने खट से खोल दिया गेट, आपको भी थोड़ी तमीज दिखानी चाहिए ना, घर में घुसते ही चारों को निपटा के आ गए। नहीं मतलब क्या बेटी के ऐसा होता है कहीं, मतलब होटल में घुस गए, साइलेंसर लगाया गन पे और मार दिया, बोलो कौन देगा जवाब? ये क्या इस आदमी ने पूरी मूवी में, एक तो सबको डराना बिना बात के गोली मारना और अच्छी एक्टिंग करना। तो बेटी के इब अगर तुम विक्रांत मैसी या दंगल गर्ल या बॉबी देवल के फैन हो तो एक बार मूवी देखना तो बनता सा है।